हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे ही होगे। मैं भी अच्छी हूँ और आ गई हूँ आप लोग के लिए दो लाइन लेकर के कि घर के झगड़े के कारण राज्यसभा में जाना ना चाहिए। घर के झगड़े के कारण राज्यसभा में जाना ना चाहिए और कर सत्संग विचार सदा, दिल से बिसराना चाहिए। तो आप सबको समझ ही आ गया होगा, बहुत सिंपल से बात है और ऐसा ही करना चाहिए सबको। तो आज का दिन बहुत बहुत शुभ मंगलकारी हो। और आइए चलिए मिलते हैं। किचन में आ गई हूँ और सैंडविच बना रही हूँ। ये चाय खौल रही है, बस आप लग जाओ। उसमें कुछ भी और पड़ा है क्या? जैसे सिंगल में कुछ पड़ा होगा तो और डालेंगे तो पकेगा नहीं ना, पतला पतला। हाँ अभी थोड़ा सा बड़ा चम्मच दें। ये दोस्तों, सभी छोटों को बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद। और आ गई हूँ मैं अपना नाश्ता लेकर के और आज बनाई हूँ ब्रेड में सब पत्ता गोभी वगैरह सब शिमला मिर्च भर के मायनीज लगाकर सैंडविच, एक एक ब्रेड और थोड़ा सा चाउ बचा हुआ था, चाउमीन मेरा बचा हुआ था उस दिन का बना हुआ, तो वो यूज़ कर रही हूँ बस। और ये रही मेरी मूंगफली, रात भर की फुलाई हुई और सेहतमंद चीज और स्वादिष्ट भी। तो आप सभी लोग जरूर जरूर फुलाएं, फुलाकर रात में और फिर खाएं, गर्मी में तो और अच्छा है स्टार्ट से। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? स्टार्ट हो गए हैं जल्दी जल्दी सैंडविच गरम गरम खाने के लिए, तो बनना बनता भी है बात। तो चलिए आप लोग भी खाइए। तो ये रही सैंडविच, चाउमीन तो आप लोग उस दिन का खा चुके हैं इसलिए नहीं खिलाएंगे, सैंडविच खाइए। ये देखिए मस्त है। चलिए चाउमीन भी खिला देते हैं, थोड़ा सा उसमें नया प्रोसेस कर दिए हैं, चाउ ये सब मिला दिए, थोड़ा सा पत्ता गोभी और मिला दिए, थोड़ा प्याज मिला दिए, थोड़ा शिमला मिर्च मिला दिए, तो शायद टेस्ट और बेटर हो गया होगा। अच्छा हो गया। तो ये है हमारी गरम गरम चाय और इसी के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें, बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग मेरे ब्लॉग पे न्यू आए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। बेल आइकन पर क्लिक करने से मेरे सारे वीडियोस आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे और मेरा वीडियो प्लीज़ प्लीज़ आगे बढ़ाकर मत देखिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो आप सबकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। और कमेंट्स जरूर कीजिए तो उससे मुझे पता लगेगा। तो आशा करती हूँ आप लोग जरूर ऐसा करेंगे। इसी के साथ अभी के लिए, आज के लिए बाय बाय, लव यू।